मदारी लगी हो ना इधर, हाँ साहब तमाशबीन है, कोई भी इधर मदारी लगी हो ना तो सारे देख लेते हैं, चले जाओ रश पड़ जाएगा। इधर एक साइड पे आप किसी उलामा को लगा लो, कोई नहीं जाएगा। उधर वो कहते कोई फनकार को ले आए तो सारे पास चले जाएंगे। वो उसको याद आ गया, वो क्या कहते हैं बुलावल ने क्या कहा था, कांपेट आंक रही है, वो लफ्ज उसको याद हो गया। खाता मेरे भी याद नहीं हुआ। कहते हैं सेहत कार्ड इस कौम को हमने, ठीक है जी, कोई इलाज करा के बताए ना, किसी के पास इलाज करा के वो चले जाते हैं ना। ठीक है, कहते हैं जी आप ये टैक्स करा के लेके आए तो 15 दिन का टाइम, 15 किसी जिंदा रहना। तो जिसको खातम नबी जी नहीं कहना आता वो लीडर कैसे हो गया? हाँ बताए ना, जिसको कलमा ही नहीं आता वो लीडर कैसे हो गया? 1,24,000 पैगंबर, हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि 1,24,000 तकरीबन, वो कहते 1,40,000, वो 16,000 किधर से बढ़ गए? कोई नहीं, सिस्टम चेंज हो नहीं सकता, ये आवाम खुद ही नहीं चाहती सिस्टम चेंज हो। आवाम चाहती हम यशी करें, जल से जुलूस करें, घर से निकले तो वो शाम रोटी खाए। वो एक बिरयानी के डब्बे पर ये बिकने वाली कौम है। वाले साहब क्या कहेंगे, हुकूमत दावे कर रही है कि आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। किस चीज का रिलीफ? के बाद पेट्रोल का, पेट्रोल कौन सा रिलीफ दिया इन्होंने? 13 रुपए तकरीबन कह रहे हैं, 13 रुपए कम किए हैं। तो जो 200 रुपए बढ़ाया उसका नहीं पता, उसको 70 रुपए लीटर था ना, अब 270 रुपए हो गया। ये तो कोई रिलीफ नहीं ना, टैक्स लगा लगा दुनिया को मार दिया, आटा मिल नहीं रहा। ठीक है, गंदम शार्ट कर लिया, हमारे मुल्क की पैदावार है गंदम, को बाहर से तो नहीं आती, चावल नहीं मिल रहा, 300 रुपए किलो चावल सेल हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा रिलीफ है कि जो हमारे मुल्क में चीज़ पैदा होती है वो हमें मिल नहीं रही? ठीक है, ये गंदम भी बाहर जा रही है, चावल भी बाहर जा रहा है, तो हम गरीब लोग क्या करें? वो तो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब के रशिया से मुआदा तकरीबन, क्या जब झूठ है। पहले ये इमरान साहब का कहते हैं जी हम रशिया से तेल लेना सस्ता, ठीक है, तुम्हारी एक्सपोर्ट जो है यूरोप अमेरिका के साथ 80% है, अगर वो बंद कर दो भूखा मर जाएगा मुल्क सारा। ठीक है, हाँ एक बंदे की बात सुननी है। तो फिर खान साहब क्यों रजीम चेंज के दावे कर रहे हैं? किस चीज़ के दावे कर रहे हैं? खान साहब के पास है क्या? खान साहब अपने को पार्टी नहीं है, वो क्या कहता कोई इधर से पकड़ा कोई इधर से पकड़ा, पार्टी बना ली। ये वजीर अला किसका बनाया उन्होंने? ठीक है, काफिली क्या ना, जो पीडीआई का तो नहीं, उनको 25 सरकार जो है असम्बली वो तो नाराज़ हो गए हैं, वो कहते हैं हमने जाना ही नहीं असम्बली में, हुकूमत जो है हमारी है, वजीर अला किसी और का है, हमारी बात को नहीं सुनता। ये अपने तरीफे कर रहे हैं ना, चौधरी परवेज लाई तो तरीफे कर रहे हैं, परवेज लाई साहब तो जो है वो पुराने सियासतदान है ना, उनको तो काम करना आता है ना, तो वो अपने इलाके के लिए कर लेंगे तो हमें क्या फ़ायदा? हम कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, हम तो टैक्स दे रहे हैं, क्या कहते हैं महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। कोई अब बता, खान साहब मिशन लेके निकले हुए हैं, तो मिशन उनका है ही नहीं ना, मैं उनका मिशन को मानता ही नहीं। वो क्या कहते हैं उनकी कोई बात ही नहीं है। आपने कह दिया कान में खान साहब ये कह दें उन्होंने, वो कह दिया आप आया खान साहब ये हो गया वो गया, पकड़ लो चोर 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 पकड़ लो इनको पकड़ लो, किसको पकड़ा तो नहीं उन्होंने। ठीक है, लेकिन वो तो कहते हैं बड़ा लीडर है जिसकी पहचान ही नहीं है, कोई लीडर कौन सा ये पहचान नहीं है, क्या पहचान है इसकी? मुसलमान का लीडर, और मुसलमान कैसे हो गया मुसलमान? तो जिसको खातम नबी जी नहीं कहना आता वो लीडर कैसे हो गया? ठीक है, हाँ बताए ना, जिसको कलमा ही नहीं आता वो लीडर कैसे हो गया? ये इतना बड़ा वो कह रहे हैं, आपने आप तकरीर सुनी कि 1,24,000 पैगंबर, हम तो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि 1,24,000 तकरीबन, वो कहते 1,40,000, वो 16,000 किधर से बढ़ गए? ठीक है, वो आप बताया ना कि हमें कुछ चीज़ बता, टंग हो सकती है ना? हाँ नहीं, टंग वही होती है, वो उसको याद आ गया, वो क्या कहते हैं बुलावल ने क्या कहा था, कांपेट आंक रही है, वो लफ्ज़ उसको याद हो गया। खाता मैंने भी याद नहीं हुआ। ठीक है, हाँ ठीक है ना। नहीं वो तो कहते हैं रियासत मदीना का मंशूर किसने दिया? रियासत मदीना का इसके साथ क्या तल्लुक है? ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसका बिल किसने पास करवाया है? अदा भी किया जा रहा है, काम तो कोई नहीं ना हो रहा, कोई काम करके दिखाए ना, जो भी आता है अपनी जेब भर के चला जाता है। ठीक है जी, कहते फलाना चोर फलाना चोर फलाना चोर, सारे चोरे पकड़ा तो किसी को नहीं। हल क्या है, कौन सी पार्टी रखता है कि आवाम के मसलों को हल कर? कोई भी सर मसले हल करेगा, ये अल्लाह का अल्लाह ही करेगा। पीएमएलएम कोई भी नहीं करेगी, अल्लाह ही करेगा, बस कुछ भी नहीं करेगा, अल्लाह ही करेगा जो करेगा हमारे मुल्क में ना, अल्लाह ही रहम करे, कोई बात नहीं है किसी का, जो भी आता है वो अपना जेब भरता है। हमने तो बड़ी खान साहब के ऊपर उम्मीदें लगाई हुई है, उम्मीद क्या क्या किया जलसे, तो वो तमाश भी नहीं, तो लोग देखने चले जाते हैं सारे, मदारी लगी हो ना इधर, खान साहब तमाश भी नहीं, कोई भी इधर मदारी लगी हो ना तो सारे देख लेते हैं, चले जाओ रश पड़ जाएगा। इधर एक साइड पे आप किसी उलामा को लगा लो, कोई नहीं जाएगा। उधर वो कहते कोई फनकार को ले आए तो सारे पास चले जाएंगे। लेकिन वो तो दावे करते हैं ना कि जीडीपी हमारी चेक करे कहाँ थी, जरे मुबादला मुल्क के कहाँ, क्या क्या कितनी कलेक्शन, कितनी महंगाई हुई है, ये सारा इसके अंदर वो कहते ना हुई है। नहीं सारे शुरू से ही आ रही है ना। ठीक है, कितना कर्जा लिया जब ये आया था, कितना कर्जा था? तकरीबन 39,000 रुपये। अच्छा जी, अब वो कहता 80,000 रुपये हो गया, वो कौन खा गया बाकी? ठीक है, वो भी बताए ना यार, एक बात पे तो नहीं ना काम चलेगा। ठीक है, जो भी आता है वो खा के चले जाता, कहता जी मैंने तो मुल्क चलाने के लिए कर्जा लिया, वो पिछले खा गए, तो इसका कौन कहेगा कि ये खा गया है, इसका मैं वापस करना कर्जा। अच्छा, आपको किसी सियासतदान पर कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं।
हमें अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह बेहतर करेगा। किसी ना किसी को यहाँ पर अपना बनाना तो होता है, भेजिएगा ना, जब कभी फैसला होगा कि अल्लाह रहम करेगा तो फिर हो जाएगा, अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। कहते हैं लास्ट होप ऑफ पाकिस्तान, क्या उम्मीद रखते हैं आपने, क्या देखा उसमें, 3-4 सालों को मर गया, ईमानदार भी है, कोई ईमानदार नहीं, क्या पूरे मुल्क में बस नून लीग ने करप्शन की है और कोई बंदा नहीं है इन तीनों के अलावा, पूरा मुल्क भरा हुआ है ना, बस इन तीनों ने करप्शन की है, ठीक है, इन तीनों दो भाइयों ने और एक उनकी बेटी ने और उसको दामाद ने, और कोई बंदा नजर नहीं आया, ठीक है। आप भी तो देखें, आप घूमते फिरते हैं, मीडिया से तो अलग है, मेरा भी मीडिया से तो अलग है, ठीक है, तो क्या किया इसने बताए ना, कहते हैं सेहत कार्ड इस कौम को हमने, ठीक है जी, कोई इलाज करा के बताए ना, किसी के पास इलाज करा के वो चले जाते हैं ना, ठीक है, कहते हैं जी आप ये टेस्ट करा के लेके आए, तो 15 दिन का टाइम, 15 दिन किसी जिंदा रहना है, किसी को पता क्या हमने 15 दिन जिंदा रहना, एक बार जिसको तकलीफ है अभी, तकलीफ है अभी, उसका एडमिशन करो, उसका इलाज शुरू करो, कोई नहीं मेरे साथ चले जाइए इधर, वो क्या कहते हैं इमरान थी स्टीचर का अस्पताल है, आमना अस्पताल है, जिधर भी जाओ टाइम देंगे, अभी तो उन्होंने आपके शनाख्ती कार्ड भी कर दिया, वो मुझे पता है, ठीक है, वो हो नहीं रहा नौजवान कामयाब नौजवान प्रोग्राम कहाँ साहब, वो मुझे नहीं पता कौन सा प्रोग्राम है, कोई भी नौ को 5 लाख किसको मिला है, कोई बता दे किसको मिला, कोई मुझे बता दे किसको कर्जा मिला, आप कहते किसको मिला, उस्मान डार तो दावे कर, वो दावे कर रहा है, उस्मान डार तो ये भी कह रहा था कि मेरी लाश से गुजर कर वो डिवीजन जो है ना गुजरात बनेगी, तो वो कुछ बन गई है, सियालकोट डिवीजन नहीं बनी, ठीक है, उनका सियासी कैरियर क्या है उस्मान, कोई शहर को क्या, पहली दफा ही आया सियासत में, तो पहले तो फिर आगे नून का सफाया कर देना, पक्की बात, वो अल्लाह ना करे, नहीं होता, कोई शोर नहीं आया, किसको शोर है, हमें बताया नौजवानों को, कोई ना कोई मुझे नौजवान देखते हैं सारे आवारा फिर रहे हैं, कोई काम तो लगा नहीं, किसी ने कोई बिजनेस तो खोला नहीं, या कितना बड़ा समड़े हाल है, नया से शुरू होकर मोड़ पर चले जाए, देखें किसने बिजनेस शुरू किया कर्जा लेके, हाँ वो लोग अपने क्या कहते अपने मतलब कर रहे हैं, जो खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, ओ सर मैंने देखे 126 दिन दिया था धरना, क्या हो गया उसमें, क्या कर लिया मैं, हाँ तो ये सर बातें हैं करने की, सारी बातें हैं, कोई भी नहीं, जो भी करेगा मेरा अल्लाह करेगा, हाँ इंशाल्लाह मैं उम्मीद है मेरा अल्लाह अल्लाह के रसूल के सदके सब कुछ बेहतर करेगा, हाँ ये जो भी आएंगे ना ये अपने खातर आएंगे, अपने मतलब के लिए आएंगे, जो भी आता है देख लें, बाद में जो जाता है उसकी प्रॉपर्टीज कितनी हो जाती है, जायदाद बैंक अकाउंट बाहर चले जाते हैं सारे, अगर इतने मुखलस है आइए, सिस्टम तो खान साहब चेंज करना चाहते, कोई नहीं सिस्टम चेंज हो नहीं सकता, ये आवाम खुद ही नहीं चाहती सिस्टम चेंज हो, आवाम नहीं चाहती, नहीं चाहती आवाम, आवाम चाहती हम यशी करें, जल से जुलूस करें, घर से निकलें सुबह शाम रोटी खाएं, वो एक बिरयानी के डब्बे पे ये बिकने वाली कौम है, ठीक है जी, आप कुछ हुआ 3 सालों में कुछ क्या तब्दीली आई अपना, कहते थे हम स्टेबल करने लगे, किसको स्टेबल किया, कितनी फैक्ट्री सारी बंद हो गई है, स्पोर्ट तो है नहीं, ठीक है, EPZ जो है हमारा वो वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, लेकिन वो तो इंडस्ट्रीज के दावे, इतना फैसलाबाद की सारी तो बंद है ना सारी, इतने बिल ज्यादा आ गए हैं कि सारी इंडस्ट्री बंद हो गई है, कोई एक छोटी दुकान को अगर 9 लाख 10 लाख बिल आ जाए तो उसे क्या करना है, ठीक है, शुक्रिया।